तो दोस्त लोग, आज मैं स्प्लेंडर प्लस का माइलेज टेस्ट करूंगा। मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर ने, दो तीन सब्सक्राइबर ने पूछा था कि स्प्लेंडर प्लस का माइलेज टेस्ट का रिजल्ट क्या रहेगा, उसका टेस्टिंग कर लो। तो मैं अब 100 ml की माइलेज टेस्टिंग करूंगा। तो 100 ml पे अगर गाड़ी 6 किलोमीटर गई तो 1000 ml यानी 1 लीटर पर 60 का माइलेज रहेगा गाड़ी को, और गाड़ी 60 to 65 के स्पीड से चलेगी और डबल सीट गाड़ी रहेगी। गाड़ी के ओनर भी गाड़ी के साथ रहेंगे और मैं, तो डबल सीट हम गाड़ी चलाएंगे और उसमें जो रिजल्ट आएगा वो सामने आ जाएगा। 100 ml टेस्ट है ये, और 1 लीटर से उतना ही माइलेज रहेगा इसके, इस बात की कुछ गारंटी नहीं मैं दे सकता। लेकिन 100 ml पे गाड़ी कितनी माइलेज देगी ये हम देख लेंगे अभी। तो गाड़ी का स्पीडोमीटर देखते हैं। सिक्स सिक्स 5.2 मीटर यानी 665.2 मीटर, 200 मीटर पे गाड़ी है, तो 65.2 लिख लेंगे हम। और उससे आगे 100 ml पे गाड़ी कितनी जाती है वो देख लेंगे। तो देखते हैं इस गाड़ी का। अब मैं इस गाड़ी का पेट्रोल कार्बोरेटर का पूरा एंड करूँगा। तो हम अब कार्बोरेटर का पेट्रोल एंड करेंगे। कार्बोरेटर का पेट्रोल एंड करने के लिए मैंने गाड़ी स्टार्ट रख दी है। तो पूरा कार्बोरेटर का पेट्रोल एंड होने के बाद बोतल में 100 ml लेंगे और माइलेज स्टार्ट करेंगे। तो देखो कार्बोरेटर का पेट्रोल एंड हो रहा है। तो पूरा कार्बोरेटर का पेट्रोल एंड करने से ही सही रिजल्ट रहेगा। अब अगर गाड़ी के कार्बोरेटर में आप पेट्रोल रखोगे तो 4 से 5 किलोमीटर तक माइलेज बढ़ सकता है, क्योंकि ये 100 ml टेस्टिंग है। कार्बोरेटर पे गाड़ी 800 से 900 मीटर गाड़ी जाती है, तो 100 ml उसमें अगर कार्बोरेटर से गाड़ी गई तो 1 लीटर के हिसाब से 8 किलोमीटर माइलेज बढ़ जाएगा। इसलिए पूरा कार्बोरेटर एड करेंगे हम। तो दोस्तों कार्बोरेटर का पेट्रोल एंड हो गया है। आप देख सकते हो अब इसको हम 100 ml कनेक्ट कर देंगे। तो माइलेज बॉटल में 100 ml फिल किया है, ये देख सकते हैं मार्क आप 100 ml का। तो अब गाड़ी के कार्बोरेटर में 0 पेट्रोल है, और गाड़ी का पेट्रोल टैंक का कनेक्शन गाड़ी से पूरा डिसमिस कर दिया है। तो पूरे माइलेज बॉटल पे ये गाड़ी चलेगी। माइलेज की स्टार्टिंग का रीडिंग मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है, 665.2। तो यहाँ से गाड़ी आगे स्टार्ट रहेगी, यानी कि आगे 200 मीटर पकड़ेंगे हम और बचा हुआ 800 मीटर माइलेज में गिनती होगी उसकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं माइलेज डबल सीट ही निकालूंगा, खुद ओनर गाड़ी के मेरे साथ रहेंगे। डबल सीट में जो रिजल्ट आएगा आपको समझ जाएगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, ये 100 ml टेस्टिंग है। 100 ml पे गाड़ी जितना जाती है उतना पूरा 1 लीटर में जा सकती है, इसका दावा नहीं कर सकते हम। तो 100 ml पे कितनी गाड़ी जाती है देखेंगे। तो 100 ml कनेक्ट कर दिया है मैं गाड़ी का, अब माइलेज बॉटल का कॉक ऑन कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाया था कार्बोरेटर एंड किया है, तो अब पूरा माइलेज बॉटल से ही कार्बोरेटर में पेट्रोल गया। चलो तो अब डबल शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। 1-2 किलोमीटर गाड़ी में गांव में चलाऊंगा, उसके बाद आगे प्लेन रोड पे गाड़ी चलेगी। तो माइलेज टेस्टिंग स्टार्ट किया है हमने। चलो गाँव दौड़ी। देख
हे ब्रेक दाबू नका, तुम्ही ब्रेक दाबताय मागचा ब्रेक आहे की नाही, गरज पडली तरच दाबायचं. सर तुमच्या गॅरेजमध्ये एक दाढीवाला पोरा चला रहे हैं, देखते हैं गाड़ी कितना किलोमीटर जाती है 100 ml पे. गावात चालवलं कळलं पाहिजे ना किती पडत, गावात तेल जास्त जळत गावात, हा गावात 50-55 पडले त्यांची कार. बर मायलेज मायलेज जास्त सर स्टँड कर तो हम सिटी में गाडी चला रहे जाऊ. क्या है एक्चुअली ट्रैफिक में सिटी में माइलेज जितना रहता है ना वो देखेंगे हम, इसलिए सिटी से गाड़ी चलाइए, गाड़ी के खुद ओनर नहीं. गाड़ी थर्ड गियर से फोर्थ गियर, थर्ड और फोर्थ गियर पे चली सिटी में. एक्चुअली मैं देखना चाहता हूँ कि सिटी में गाड़ी किस तरह माइलेज रहेगा, स्प्लेंडर का, स्प्लेंडर प्लस i3s की BS4 गाड़ी है, तो BS4 i3s टेक्नोलॉजी की जो स्प्लेंडर प्लस है इसका माइलेज हम निकाल रहे हैं. तो करूंगा कमी.
सिटी में हमने माइलेज निकाला, तो सिटी के हिसाब से माइलेज अब पेट्रोल एंड हो गया है। आप देख सकते हैं कार्बोरेटर माइलेज बॉटल का पेट्रोल एंड हो गया है। तो इस स्प्लेंडर प्लस i3 का किलोमीटर एंड हो गया 670.5, 670.5 पे गाड़ी बंद हो गई। लगभग हमने गांव में ही माइलेज निकाला डबल सीट थर्ड और फोर्थ गियर पे। तो पहला किलोमीटर कितना था मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, 5.3 किलोमीटर गांव में गाड़ी माइलेज दिया गाड़ी ने डबल सीट और थर्ड और फोर्थ गियर पे। तो गांव में अच्छा माइलेज रहा गाड़ी को 5.3 किलोमीटर 100 ml पे। तो 53 किलोमीटर 1 लीटर से माइलेज हो गया है स्प्लेंडर प्लस i3 का। तो हम जब गांव में गाड़ी चलाते हैं तो ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, उस हिसाब से इस गाड़ी को बहुत ही अच्छा माइलेज मिल गया है। क्योंकि हम जब गांव में चलाते हैं तभी असल में एक्यूरेट माइलेज मिलता है, समझ सकते हैं हम कि कितना मिलता है। और रेगुलर रोड पे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। तो रेगुलर रोड पे कितना मिलता है ये भी हम देखेंगे। और ये गांव में 53 माइलेज हो गया, 5.3 किलोमीटर गाड़ी गई 100 ml। हाँ 60, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में मैंने आपको परफेक्ट स्प्लेंडर प्लस का सिटी में गांव में ट्रैफिक में माइलेज कितना मिलता है ये दिखाया है। अब हम माइलेज बॉटल को निकाल लेंगे और पेट्रोल टैंक कनेक्ट कर देंगे।